अभी आज छिनुए जगत ना जाने अभी आज छिनुए जगत ना जाने तुम बिना के हो ना पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय समावेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरि नाम संकीर्तन की जय तो आज हम गुरु गौरंगा की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं 2:13। जैसे कि हम सब जानते हैं ये दूसरा अध्याय जो है ये प्राथमिक शिक्षा है भगवद गीता की और ये शिक्षा ये पूरा गीता का फाउंडेशन है। अगर ये शिक्षा अगर कुछ वजह से हमारे से स्किप हो जाए तो सारी गीता हम गलत समझ बैठेंगे। तो ये दूसरा अध्याय बहुत कीमती है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बिना गीता ज्ञान नहीं रुक सकता, गीता की भक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा अध्याय इसके ऊपर है। दूसरे शब्दों में कहें, आजकल के युग के जमाने के शब्दों में कहें तो जैसे काउंटडाउन होता है ना, रिकेप होता है। कभी कभी पुराने सिनेमा में जाते थे तो दिखाते थे, पहले एंड दिखा देते थे फिर स्टोरी शुरू होती थी। हाँ, ये मनुष्य जीवन की शुरुआत
और मनुष्य के जीवन का अंत के बारे में शुरू में ही बता रहे, बाद में कर्म योग से मतलब धीरे धीरे कहानी शुरू होती है। दूसरे अध्याय में जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के पास काफी समस्याएं थी लेकिन समस्या का हल भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी भगवान ने अर्जुन को धीरे 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 वास्तविक ज्ञान का उपदेश दिया। वास्तविक ज्ञान और भौतिक जगत का ज्ञान के अंतर बहुत अंतर है। तो वास्तविक ज्ञान जो है वो शाश्वत होता है, वो प्रलय होने के बाद भी वो ज्ञान वहीं का वहीं रहता है, वो ज्ञान को कोई प्रलय की असर नहीं होती। तो वो ज्ञान भगवद गीता में दिया है और वो भगवद गीता से प्राप्त प्रमाणिक पारदर्शक गुरु परंपरा से हम सबको मिल रहा है। अगर हम प्रेम और श्रद्धा से इस भगवान के शब्द को समझने की कोशिश करेंगे तो ये जीव के साथ भी ये ज्ञान शाश्वत हो जाएगा, और ये शाश्वत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा पतन हो सकता है। इसलिए ये दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो सब लोग जानते हैं। कभी कभी जब मनुष्य नहीं जानता तो हम देखते हैं स्मशान में, ग्रेवयार्ड में भी ये श्लोक लिखा रहता है। ऐसे 3-4 श्लोक है इस अध्याय के, वो स्मशान में पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन जो भक्त पहले से जीवन में इसको पढ़ लेता है तो उनको स्मशान वैराग्य की या स्मशान तक जाने की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि अभी से वो भगवत प्रेमी की भक्ति करने की शुरुआत कर सकता है। तो 2:13, देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण। तो अनुवाद पे जाते हैं, अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह प्राप्त नहीं होता। अनुवाद में फिर से पढ़ता हूं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे, साथ साथ चर्चा भी करके आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य, तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको कैसे समझेंगे हम? इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए हम अपना ही उदाहरण ले सकते हैं। हम अभी 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो चुके हैं। हाँ, हर एक व्यक्ति की उम्र अलग अलग है। अभी हम सब सोच सकते हैं कि मैं जब 5 साल का था, या मेरी तस्वीर जो 5 साल की बच्चे की या बच्ची की थी, तो भी मैं वही नाम से पुकारा जाता था, और आज 50-60 साल हो गया तो अभी वही नाम से पुकारा जा रहा हूं। तो वो शरीर कहाँ चला गया?
जो 5 साल का था वो शरीर कहाँ चला गया। हाँ, मैं तो वही हूँ, मेरा नाम भी वही है, मैं ही बड़ा हुआ हूँ, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जैसे हम 60 साल के हो गए और 6 साल की उम्र में जो हमारा शरीर था उसके लिए हम उदास नहीं होते, बल्कि हम हर साल क्या बोलते हैं, सालगिरह बर्थडे मनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। श्रीमद् भागवत कहता है कि सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त होने के समय में, यानी कि हर हर एक दिन में हमारी आयु सूर्य के समय के द्वारा हर लिया जाता है और धीरे 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 हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। और ये आगे बढ़ने के टाइम जब शरीर क्षीण हो जाता है तो पुनः हमें नया शरीर मिलता है। अभी बुद्धिमानी ये है कि हमें इसी चक्र में घूमता रहना है या भगवत भक्ति करनी है। हाँ, फिर से हम 9 महीना माँ की पेट के गर्भ में जाके निसहाय होके पड़े रहना होगा, जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं मिलेगी, माँ के पेट के कई बैक्टीरिया और जीव जंतु हमें काटेंगे और हम निसहाय हालत में ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस अवस्था में हम पड़े रहेंगे। ऐसी अवस्था में माँ के गर्भ में जाना क्या बुद्धिमानी है? नया शरीर तो मिलता है। हाँ, तो ऐसे नया शरीर मिलता है और ये नया शरीर प्राप्त करके भी हमें क्या प्राप्त करना है? अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की, हाँ, तब तक हमारा ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहेगा। हाँ, अभी यहाँ पे भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, कि तुम व्यष्टि आत्मा हो और भगवान परमात्मा है। हाँ, जैसे आकाश, आकाश में सूर्य चंद्र तारे दिखाई देता है, हाँ, तो उसका प्रतिबिंब पानी में अगर हम ले लें तो प्रतिबिंब में कई तारे दिखते हैं पानी के अंदर। वो तारे हमारे जीव को क्या बोलते हैं कि जीव को अभिव्यक्ति रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य या चंद्र वो परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब के मात्र है, हम भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के नाते हम एक तारे की जैसे हैं, छोटे से। हाँ, तारा भी तो बहाने है लेकिन हम एक छोटा जीव है, तुच्छ जीव है, जब तक हम भगवान की भक्ति के लिए नहीं जागते। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 5 साल का शरीर में भी मेरा नाम वही था, 60 साल का शरीर में भी मेरा नाम वही है। 5 साल का शरीर चला गया, उसके लिए मैंने कोई भी दुख व्यक्त नहीं किया। और अभी मृत्यु के समय हमें लगता है कि हमारा शरीर चला गया, हम दुख व्यक्त करने लगते हैं, लेकिन धीर व्यक्ति ऐसे बाह्य परिवर्तन से मोह नहीं पामते, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है। और दूसरा शरीर कौन सा मिलेगा, ये हमारे जीवन के कार्यकलाप के ऊपर आधारित होता है, हमारे कर्म और कर्म फल के ऊपर आधारित होता है। प्रकृति के द्वारा हमें जवाब मिलता है और उस जवाब के अनुसार हमें योग्य माँ बाप मिलते हैं, और चाहे हम मनुष्य योनि में रहे, देवताओं की योनि में जाए या अध योनि जाके पतन में हो जाए, ये हमारे कर्म और कर्म फल पर आधारित रहता है। मनुष्य जीवन की बुद्धिमानी यही है कि ही शुड फिनिश हिज बिजनेस ऑफ जन्म मृत्यु जरा व्याधि और गेट आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एज सुन एज पॉसिबल। हमें अपने आप को न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज का मतलब है हमें अपने कर्म जो पापमय कर्म से बाहर आके भगवान की भक्ति करनी है। जैसे भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे तो धीरे 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 हमारा पाप विनिष्ट होगा और हम मुक्तात्मा बन सकते हैं, क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, चाहे हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ पास चले जाए
चाहे भौतिक शरीर जगत में रहे। आध्यात्मिक जगत वो परिवर्तनशील नहीं है, वहां शाश्वत है, और वहां सूर्य चंद्र तारे नहीं है, वहां हर एक जीव का कभी मृत्यु नहीं होता है, और शाश्वत वो भगवान की भक्ति में सच्चिदानंद के रस में वो आनंदित रहकर अपना जीवन बिताता है, अपना इटरनल समय बिताता है। तो वहां व्यष्टि आत्मा अपनी इंडिविजुअलिटी तो बनी रहती है, लेकिन भगवत धाम में उनको और कोई विचार नहीं आता बल्कि भगवान की सेवा। यहाँ तो सुबह उठ के हम जल्दी जल्दी, टाइम हो गया भागो, समय हो गया, नौकरी करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फिर वहां झूठ सच झूठ सब करना है, पाप करना है, क्यों? पेट के लिए। लेकिन पेट शरीर का अंग है और शरीर नाश्वंत है, और कर्म कर्म फल हमें दूसरी योनि में लेके जाएगा। तो हम क्यों तुच्छ नाश्वंत शरीर के लिए पाप करें? हाँ, बुद्धिमानी ये है कि हम भगवान की भक्ति करें, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा के बारे में वो उन्नत करता है वो। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म नहीं द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर धारण कर ग्रहण करेंगे, और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। जैसे हमारे फटे हुए कपड़े हम निकाल कर बाजार से नए कपड़े लेकर आते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, तो वो फटे हुए पुराने जीर्ण कपड़े के लिए हम शोक नहीं करते। ठीक वैसे ही ये आत्मा का ये आवरण, ये कपड़ा है, शरीर एक कपड़ा है, और कपड़ा जीर्ण हो जाए तो नया कपड़ा मिल जाएगा भगवान हमारे कर्म फल की अनुसार। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा जोखा होता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप गुरु से पाकर सारा जीवन महामंत्र का जप किया है, उनका मृत्यु ये शोक का कारण नहीं है, उनका मृत्यु आनंद और उत्सव का कारण है, क्योंकि वो आत्मा की उन्नति ही होगी। क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, सुहृदं सर्वभूतानां, मैं जीवों का कल्याणकारी मित्र हूँ। भगवान कल्याणकारी मित्र है, भगवान कभी अन्याय नहीं करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें भगवान का नाम जपकर अपने आप को आगे लेके जाना है, या वहीं का वहीं रहना है, या वापस जीरो से स्टार्ट करना है। ये बुद्धिमानी हमारी इसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है, हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो आज सुन लिया, 2 दिन याद रहेगा, शायद करने की इच्छा भी हो जाएगी, लेकिन भक्तों का संग नहीं टिकेगा तो ये हम सारा जीवन नहीं कर पाएंगे। गुरु परंपरा से हम आध्यात्मिक शक्ति के साथ, गुरु के साथ जुड़ते हैं तो सारी परंपरा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, इसीलिए हमारी भक्ति में उन्नति जल्दी होती है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होगा ही। अतः दोनों ही दशा में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। धीरस तत्र न मुह्यति, यहाँ पे श्लोक में बताया, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। धीर कौन है इसके बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो मनुष्य को आत्मा, परमात्मा, भौतिक तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। इसका मतलब क्या है? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का बारे में जानना कि जो भगवान की आंशिक रियलाइजेशन है, और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति
अंधकारमय है, आध्यात्मिक प्रकृति पूर्ण ज्ञानमय है। भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है? इस्कॉन का एक मैगजीन आता है बैक टू गॉड एड मैगजीन या भगवत दर्शन, उसके ऊपर लिखा है कृष्ण है सूर्य सब माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। तो जहां पे कृष्ण नहीं है वहां माया का अधिकार होता है। ये भौतिक जगत अंधकारमय है। कोई बोलेगा प्रभु जी आप अंधकारमय कैसे होता है, हर रोज सुबह तो सूर्य निकलता है, हर रोज रात को चंद्रमा की रोशनी होती है, तो आप अंधकार कैसे हो सकता है? लेकिन ये सूर्य या चंद्र की गति हमारी आयु हर लेती है और ये रोशनी का बिल है, ये सूर्य की रोशनी का हम बिल पे करते हैं, क्या हमारी आयु कम होती जा रही है? दूसरी बात, ये सूर्य की रोशनी जो है वो हमें दी गई है। अगर मान लो इस जगत के अंदर सूर्य या चंद्र ना हो तो क्या होगा? क्या अंधकार नहीं होगा? हाँ, तो भगवत धाम में जो है वह सूर्य चंद्र भी नहीं है फिर भी अंधकार नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, भगवान कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि वहां सूर्य चंद्र तारे की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की भी आवश्यकता नहीं है, तो क्या आवश्यकता है? वहां हरेक जीव हरेक व्यष्टि आत्मा स्वयं प्रकाशित है। हाँ, और जैसे हजार, वो प्रकाश कैसा है? बहुत श्वेत सुंदर सफेद और ठंडा है। हाँ, तो जहां हजारों सूर्य एक साथ प्रज्वलित हो तो हम कैसे देख सकते हैं? तो हजारों सूर्य जब एक साथ प्रज्वलित होता है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और वो ब्रह्म ज्योति क्या है? गोलोक वृंदावन में सभी व्यष्टि आत्माएं या भगवान के अंश है और भगवान स्वयं है, इन इन जीवों की से उत्पन्न हुई रोशनी जो है वो रोशनी का प्रतिबिंब जो मतलब भौतिक जगत में दिखता है योगी को या ज्ञानी को, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। लेकिन ब्रह्म ज्योति वो भी भगवान की प्राप्ति नहीं है, भगवान के द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश की प्राप्ति है। लेकिन वहां कोई एक्टिवेशन, वहां कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए ज्ञानी और योगी का पतन हो सकता है। इसलिए वेदों में कहते हैं आरोज्य पृच्छेन परम पदम तथा पतंति यद। इसलिए हमें ब्रह्म ज्योति नहीं, भगवान का भक्त पहले से भगवान से समर्पित होता है। जैसे यहाँ पे अर्जुन समर्पित होने जा रहा है, उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है, तब जाके भगवान उनको गहरा उपदेश के बारे में बता रहे हैं। जब तक हम बोनाफाइड गुरु को समर्पित नहीं होते, प्रभुपाद जी के शिष्यों को समर्पित नहीं होते, तब तक ये ज्ञान हमारे पास भक्तों के संग में टिकना बहुत दुर्लभ हो जाता है। हम सुन लेंगे, जान लेंगे, लेकिन इसका अमल नहीं कर पाएंगे। अमल करने के लिए हमें एक गुरु की या भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के यहाँ गीता सिखाती है, हमें बोनाफाइड गुरु के पास जाना चाहिए। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं तो कम से कम सॉरी जिस मनुष्य को आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता, शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। जैसे 60 साल के हो गए, हमें मालूम है कि 5 साल का शरीर मेरा फोटो है, वो 5 साल का भी था, 10 साल का भी था, 20 साल का भी था, मेरी शादी की एल्बम भी है और शादी के बाद भी मेरा धीरे धीरे परिवार भी था, मेरे संतानों के साथ मेरा परिवार की खूबसूरत फोटो थी, आज मैं 60 साल का हो गया, मेरा बाल चला गया, क्या करें? लेकिन मैं तो वही हूँ, मुझे दुख अभी नहीं हो रहा है कि मेरा ये सब जीवन काल चला गया। तो ठीक वैसे ही हमें मृत्यु का से डरने की आवश्यकता नहीं। किसको? भक्त को। भक्त को क्यों डरने की आवश्यकता नहीं? क्योंकि वो भगवान को समर्पित होता है। भक्त का भी भव होता है और भगवान का भी भव होता है और भजने का भी भव होता है। भज, भज धातु, जो भज शब्द है वो भगवान से उत्पन्न हुआ है और हमें भगवान की भक्ति करना है।
ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं है। आत्मा, अभी प्रभुपाद जी बहुत शार्प है, तो प्रभुपाद जी शार्प थे तो वो बता रहे हैं कि मायावादी, और हमारे संसार में कई लोग बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा बोल देते हैं, लेकिन ये बात गलत है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है और दास है। जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा का अंश आत्मा है। तो आत्मा सो परमात्मा जो कहावत के लिखते हैं स्कूल में बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा एज परमात्मा, ये वो बात गलत है। गीता में ये स्पष्ट बताया गया। इसका एक उदाहरण हम समझने के लिए ले सकते हैं कि मेरी उंगली में कुछ चाकू का घाव हो गया, मेरी उंगली में, तो मेरे शरीर में दर्द होता है कि चाकू का घाव हो गया, लेकिन मेरे बाजू में बैठे हुए दूसरे प्रभु जी को या माता जी को वो देख रहे हैं कि इनको चाकू लग गया, लेकिन वो चाकू लगने का दर्द जो है उसको अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? परमात्मा सब में है लेकिन आत्मा अलग है, तो आत्मा को वो शरीर का ज्ञान या शरीर की अनुभूति नहीं होती, तो आत्मा सीमित हो जाता है। लेकिन परमात्मा को ये पता है कि ये आत्मा परेशानी में से, इसके शरीर की परेशानी से गुजर रहा है। परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं और हर एक जीव के अंदर बैठे हैं, और उनको पता है कि ये जीव जो है इसको दुख दुख से वो बीत उसका समय बीत रहा है, तो उसको उंगली में चाकू लग गया है। तो मेरे शरीर की अनुभूति दूसरे शरीर वाले को नहीं होती, इसका मतलब आत्मा सीमित है लेकिन परमात्मा सीमित नहीं है। मुझे जो याद कराता है, मुझे उठाता है, मुझे सुलाता है, मुझे जो सब कुछ ज्ञान देता है, अनुमति देता है, उपदृष्टा है, वो सभी जीवों के अंदर फैले हुए हैं परमात्मा, और वो भगवान की अभिव्यक्ति है, आंशिक अभिव्यक्ति है भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में सीधा हम भगवान के साथ में मिलते हैं, वहां परमात्मा का सानिध्य जैसा नहीं है, वहां सीधा जीव और भगवान का सेवक है और भगवान के साथ आनंद और भगवान की प्रसन्नता के ऊपर निर्भर रहता है, और उसका जीव का प्रसन्नता सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने में होता है। इस जगत के अंदर भी अगर हमें जीवन में सुख चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें जीवन में भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा कार्यकलाप ऐसा हो कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके। अगर हम भगवान को, गुरु और भगवान को प्रसन्न करेंगे तो वाकई हम प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे एक रिफ्लेक्शन में हम हंस रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब ही दिखाई देगा कि वो हंस रहा है। तो जैसे भगवान को प्रसन्नता मिलेगी तो उनके अंश को भी अपने आप प्रसन्नता मिल जाएगी। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत यहाँ मान्य नहीं है, वो माया आत्मा सो परमात्मा की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश में बना रहता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसको समझने के लिए जब तक हम अपने मूल भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे, जो शाश्वत जगत है जहाँ परिवर्तनशील नहीं है, हम परिवर्तनशील के भाव में है, और परिवर्तनशील के भाव में जो स्थिर है उसको पकड़ेंगे तो हमारा बचना संभव हो जाएगा। तो अगर ये परिवर्तनशील जगत है, इस जगत के भाव में अगर हमने भगवान का नाम पकड़ लिया तो हमारा बचना मुमकिन हो जाएगा, तो हम स्थिर हो जाएंगे धीरे धीरे। तो परिवर्तनशील में
हम अपरिवर्तन जो शाश्वत है उसके साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? इस जगत के अंदर सूर्य चंद्र तारे, सुबह दोपहर शाम रात, ये तो सब चलता ही रहता है। सोमवार से रविवार, रविवार से सोमवार, ये पूरा हफ्ता, ये महीना, ये युगों की साइकिल, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल, ये सब चलता ही रहता है। लेकिन ये चलने के अंदर, ये चलने के बहाव में, ये समय के बहाव में अगर कोई स्थिर चीज को हम पकड़ लें तो हम ये बहाव में धसे नहीं जाएंगे। तो कौन सी स्थिर चीज है इस जगत के अंदर? इस जगत के अंदर एक ही चीज स्थिर चीज है, और वो है भगवान का नाम। जो हमें कोई भी जीव को प्राप्य है, अगर हम भगवान का नाम पकड़ लिया जीवन में, तो हमारा पतन, भले हमारी मृत्यु आ जाए, शरीर का पतन हो जाए, हमारी आत्मा का पतन नहीं होगा। हमें क्या बोलते हैं, नरक में नहीं जाएंगे, हमारा उन्नति निश्चित हो जाएगा। नहीं तो 14 लोक की ब्रह्मांड है, 14 लोक में पृथ्वी मध्य में है, 7 पाताल लोक है और 7 6 ऊर्ध्वलोक है। हाँ, तो ये 14 लोक के अंदर पृथ्वी मध्य में, उसमें भी 75% पानी है, 25% जमीन है। उसके अंदर कई जीवात्माएं हैं, पानी में भी कई जीवात्माएं हैं। हाँ, तो ये सभी हमारे कर्म, ये इसको कहते हैं कर्म क्षेत्र। भौतिक जगत जो है इस जगत के अंदर, वो कर्म क्षेत्र है। हम जैसे कर्म करेंगे वहां जाएंगे, लेकिन वहां जाके हमें कर्म का फल मिलेगा, भोगना पड़ेगा, चाहे दुख चाहे सुख। हाँ, चाहे हम देव योनि में जाके या ब्रह्मलोक में जाके आनंदमय जीवन बिता सकते हैं, चाहे पाताल लोक में, नरक लोक में जाके हम दुखमय जीवन भी बिता सकते हैं। जीवन तो रहेगा ही, लेकिन बुद्धिमानी मनुष्य ये है कि बहता हुआ समय के बहाव में भगवान का हरि नाम को पकड़ ले। जिसने हरि नाम की नाव पकड़ ली है, उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये शास्त्र में वेदव्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हाँ, दूसरी बात यहाँ पे बताइए कि आत्मा, आत्मा की वृत्ति जो है पतन की होती है। कुछ भी नहीं करे तो भी उसका पतन होना निश्चित है। जैसे पानी, पानी को जैसे गिरा दो, प्रवाही है, तो गिर के जहां स्लोप है वहां अपने आप बहने लगेगा। हाँ, उसके लिए ताकत नहीं लगानी पड़ती, लेकिन वही पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। तो ठीक वैसे ही हमें भौतिक जगत के बहाव में धसने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ती। हाँ, उसको हम आनंद समझ बैठते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो परिवर्तन हो जाएगा, दुख हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत के साथ जुड़ देंगे, अपने आप को ऊपर उठाएंगे, भगवान के चरणों में समर्पित करके, भगवान के नाम को समर्पित होके, गुरु को समर्पित होके हम शाश्वत जीवन को पकड़ लेंगे, तो हमारा पतन अटक जाएगा। इसलिए हमें सभी जीव को च्युत कहते हैं और भगवान को अच्युत कहते हैं। अच्युत भगवान कृष्ण का एक नाम है, जहां से पतन नहीं होता। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहार किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश में प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य तथा चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में तथा परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अर्जुन एक आत्मा है और भगवान परमात्मा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पे नहीं होते हैं। एक उपदेशक होता है, एक उपदेश लेने वाला होता है, एक विद्यार्थी होता है, एक शिक्षक होता है। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक और उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। हाँ, इसका मतलब आत्मा वो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, वो बात गलत है। आत्मा परमात्मा नहीं है, बल्कि आत्मा परमात्मा का सेवक है, परमात्मा का अंश है, और आत्मा को परमात्मा की उपदृष्टि और अनुमति से
आत्मा अपने शरीर के द्वारा अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि आत्मा परमात्मा बराबर नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। हाँ, माया के चुंगल में यानी कि अपने शरीर के प्रभाव स्थापित करना चाहे, कोई अपना नाम प्रतिष्ठा के लिए उपदेशक बनता है, या कोई व्यवसाय के लिए उपदेशक बनता है, या कोई शरीर निर्वाह के लिए उपदेशक बनता है, तो वो योग्य नहीं है। क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर की संपत्ति है, आध्यात्मिक उपदेश है और आध्यात्मिक जीवों के कल्याण के लिए है। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट उल्लेख बताया गया है। इसके साथ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। तो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ये समझ सकते हैं, भगवान के उपदेशों से ये समझ सकते हैं, देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति ऐसे उदाहरण से क्या बोलते हैं कि वो दुख व्यक्त नहीं करते, वो बल्कि धीर रहते हैं, समचित्त में रहता है। मनुष्य इस जगत के अंदर मनुष्य का क्या हाल है, अगर दुख आया तो बहुत दुखी हो जाते हैं, अपनी आपका धैर्य खो बैठता है और नीचे गिरने की संभावना हो जाती कि दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर है। अगर सुख हो जाता है, लॉटरी लग गई, पैसा लग गया, शादी हो गई, नौकरी अच्छी मिल गई, हाँ, छक जाता है अहंकार में, ये मेरी उपलब्धि है, मैंने प्राप्त किया, मैंने प्राप्त किया, मैंने प्राप्त किया। लेकिन धीर व्यक्ति न दुख में गिर जाएगा, न आनंद में छक जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जीरो के ऊपर रहेगा। वो जानता है अच्छी तरह कि जैसे सुबह बिना बुलाए आती है और रात को भी बिना बुलाए आती है और चली जाती है, ठीक वैसे ही सुख भी बिना बुलाए आएगा और चला जाएगा, दुख भी बिना बुलाए आएगा चला जाएगा। तो वो व्यक्ति धीर रहता है, बल्कि वो अपनी निर्भरता भगवान के चरणों में समर्पित करके एक चित्त रहता है, उनको भगवान पर भरोसा है। आप सब श्रोतागण हैं, आपको पता है कि गीता में भगवान का जो उपदेश है इसमें कोई भी झूठ नहीं बताया गया। अगर झूठ नहीं बताया गया, अगर भगवान कहते हैं मैं कल्याणकारी मित्र हूँ जीवन का, हर एक जीव का, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। हम माता के पेट में हमारा रक्षण 9 महीना किसने किया? हम सोचते हैं कि डॉक्टर ने किया, माता ने किया, नहीं, ये सब डॉक्टर को चलाने वाला भी भगवान है और माता को चलाने वाला, पिता को चलाने वाला भी भगवान है। हम बीज प्रदप पिता भगवान कहते हैं, तो भगवान ही हमारा असली पिता है। लेकिन क्या है कि भगवान के धाम से हम नीचे आते हैं भौतिक जगत के ऊपर और हमें ये माँ बाप मिल गया तो हमें अपने आइडेंटिफिकेशन वो माँ बाप का कुल का दर्शाने लगते हैं। लेकिन हम अपना कनेक्शन कहाँ करते हैं? जहाँ से हमारा माँ बाप का कनेक्शन होता है, तो हमारे कुल को, हमारी कुल देवता को हम विव्रत करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें ये माँ बाप देने वाला भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, ये कुल देवता या कुल देवी जो हमें मिला है वो भी भगवान श्री कृष्ण के अंश है और उनको भी भगवान के आदेश पर जीवों की सेवा कर रहे हैं। तो हमें मूल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। इस महामंत्र के जप के द्वारा हमारा पतन नहीं होगा, हमारी उन्नति होगी। और भगवान कहते हैं कि मैं जीवों का कल्याणकारी मित्र हूँ, हमें मृत्यु से धीरे 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 डर चला जाएगा। इसके साथ मैं आज की भगवद गीता की इस कक्षा को यहाँ समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं। इस क्लास में कोई भी गलती या गलती प्रकट हुई हो या तो आपको दिखाई दे कि गलत बताया, तो मेरा खुद का है, मुझे माफ कीजिए। और इस क्लास की कोई भी सुकृति है वो मेरे गुरु महाराज और शिला प्रभुपाद जी की है,
जिन्होंने भगवान कृष्ण का ज्ञान हम सब तक पहुंचाया है। तो हम आप सब भक्तों की कृपा है कि मैं गीता का महिमा गान आपकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।